तो नमस्कार वियली भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप आधार इनरोलमेंट सेंटर खोलना चाहते हैं तो इसके लिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, उस लिंक पर पहुंचकर आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा। वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको सिर्फ भर देना है और उसके बाद थोड़ा सा आप वेट करेंगे और जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सब या जो आपका मशीन है वो सब वेरीफाई होगा, आपका व्हाइट लिस्ट वहाँ पर सब कर दिया जाएगा और आप आसानी से इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना काम शुरू कर पाएंगे। तो वो कहने का मतलब ये है कि आपको वो लिंक मिलेगा कहाँ से, किस तरीके से आपको वो लिंक मिलेगा। उस लिंक तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको आना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और मैं हर वीडियो में आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल की जानकारी इसलिए देता हूँ क्योंकि जो भी लिंक वगैरह होते हैं वो सभी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ही आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं आप लोगों के लिए हर एक तरीके की पोस्ट वगैरह लेकर के आता रहता हूँ। ठीक है, तो आप एक बार हमारे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद आपको इस तरीके के सभी अपडेट यहाँ पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर पहुँचने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे। यहाँ पर इसे ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो लिंक यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है न्यूज़लेटर, CSC न्यूज़लेटर, ठीक है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के साथ ही साथ आपके सामने इस तरीके से न्यूज़लेटर ये खुल जाएगा। इस न्यूज़लेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये बेसिकली न्यूज़लेटर जारी किया गया था कि यहाँ पर जो CSC वेली हैं वो किसी भी कैंडिडेट के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट कर सकते हैं अगर उनके पास बायोमेट्रिक डिवाइस है, वो चाहे फिंगरप्रिंट डिवाइस हो या आयरिस स्कैनर हो। तो वही जानकारी मैंने दूसरे एक वीडियो में दी भी है, अगर उस वीडियो को आप देखना चाहें तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर आप आधार इनरोलमेंट सेंटर ओपन करना चाहें क्लाइंट का, बच्चे का, तो आप किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए हम इस पूरे न्यूज़लेटर को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। अब नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देखें तो लिखा है वांट टू स्टार्ट UID इनरोलमेंट डायरेक्टली विद CSC SPV। अगर आप CSC SPV के थ्रू डायरेक्टली स्टार्ट करना चाहें UID इनरोलमेंट सेंटर, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर बताया गया है वेली हु हैव, ये पूरा एक लिंक यहाँ पर दिया गया है। और सबसे पहले आप ये भी देख लीजिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि UID सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो कि NSEIT के थ्रू जो एग्ज़ाम कराया जाता है उसका, वो चाहे ऑपरेटर का हो या सुपरवाइज़र का। एंड आपके पास मशीन भी होनी चाहिए। मशीन का मतलब है जो फिंगरप्रिंट मशीन होती है और जो आयरिस स्कैनर होता है, ये मशीनें आपके पास होनी चाहिए। वो लोग क्या करेंगे जिनके पास ये सर्टिफिकेट और मशीन है, वो लोग क्या करेंगे, प्लीज़ फिल द फॉर्म अवेलेबल ऑन द लिंक बिलो एंड गेट योर वर्क स्टार्टेड। अगर आपके पास ये सभी चीज़ें हैं तो नीचे दिए गए इस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट अपना काम शुरू कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में ये जो मैंने लिंक आप लोगों को बताया है, इस लिंक पर आप क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर ले और ये लिंक वगैरह जो भी है आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो इस वीडियो में यही जानकारी थी, उम्मीद है आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। हमारे इस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि पर डे का जो भी अपडेट है वो मैं इसी टेलीग्राम चैनल पर ही आप लोगों को देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।